जो मैं सोच रहा हूं बस वो ना हो। या अल्लाह खैर। ये जिंदा है। ये जिंदा है, जिंदा है ये। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? अब क्या कर रहे हो? किसी और तरह मारना चाहते हो मेरे भाई को? हट जाओ यहाँ से। नहीं हटूंगी। तुम दोबारा इसे मारना चाहते हो? इसे मैं नहीं, तुम मार डालोगी। गाड़ी में बैठो, हॉस्पिटल चलना होगा। पहले तुमने गोली मारी और अब इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, क्यों? एम्बुलेंस बुलाती हूँ मैं, कोई मदद करे मेरी। कोई है क्या? इसने मेरे भाई को मार दिया। एम्बुलेंस आने में आधा घंटा लग जाएगा, ये मर जाएगा। तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं मुझे। तुम कहीं और ले जाओगे इन्हें और वहां ले जाकर फिर मारने की कोशिश करोगे, जानती हूँ मैं।
चाहूं तो यहीं खत्म कर दूं इसे। सोच लो, यहां तुम्हारा भाई मर रहा है। जल्दी ले चलो इन्हें, आप जिंदा रहेंगे भाई, वादा करती हूं मैं। लानत हो इस पर, फिर से नाकाम हो गए। लानत, अब तो बताना ही पड़ेगा। जल्दी बताओ मुझे, सईद और उसकी फैमिली कहाँ है? कहाँ तो है, नहीं मालूम। नहीं मालूम? लगता है कि तुम इस तरह नहीं मानोगे। यहाँ क्या हो रहा है? अरे ये क्या? रुको! मुझे बताओ सईद कहाँ है? जवाब दो मुझे। हेलो, लड़की मिल गई? समझ गया मैं, हम निकलते हैं यहां से। इस बार बच गए तुम लोग। शुक्रिया, तुम ना आते तो काम हो जाता मेरा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। वैसे मैं हारून हूं, और तुम कौन हो? सईद अंकल के भांजे या कोई और? नहीं, मैं किसी सईद को नहीं जानता। तो फिर यहां क्या कर रहे हो? जुमरुद का दोस्त हूं मैं। ठीक नहीं चल रही, इमरजेंसी है, ऑपरेशन थिएटर रेडी कराइए फौरन। उठाएं, स्ट्रेचर उठाने में मदद करें मेरी। प्लीज चलो, मेरे भाई को बचा लें। प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए आप लोग। भाई, कुछ भी करें, मेरे भाई को ठीक कर दे प्लीज भाई।
भाई, मैं वादा करती हूँ आपसे आपको कुछ नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, जो तुम चाहते थे वो तो हो गया ना, अब तो अकेला छोड़ दो हमें। इन बातों पे तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो क्या ये झूठ है? झूठ बोल रही हूँ मैं? क्या तुमने भाई को गोली नहीं मारी? तुमने जो देखा वैसा नहीं है। तुम ही ने किया है ये, उनकी इस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो। कैसे इंसान हो तुम, हाँ किस तरह के इंसान हो, कैसे गोली चला दी तुमने? बारान साहब, डॉक्टर्स ने बताया है कि आपके पेशेंट की हालत अब बहुत बेहतर है। शुक्रिया। रिश्तेदार हैं आपके? वो मेरे दोस्त का भाई है, तो जो जरूरी है वो करें। ठीक है फिर, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं खुद भी उनका ख्याल रखूंगी। हमने आपके लिए भी अलग रूम का इंतजाम कर दिया है, आप उसे यूज कर सकते हैं। शुक्रिया। ठीक है फिर मिलते हैं हम। अब क्या करेंगे हम, हमें कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा वरना मेरा बेटा मर जाएगा। मैं हर दरवाजा खटखटा चुका हूँ, सबने मना कर दिया, किसी ने भी एक पैसा नहीं दिया। डॉक्टर बता रहे हैं कि उसकी सर्जरी फौरन नहीं की गई तो वो मर जाएगा। क्या कर सकता हूँ मैं, खुदा ही कुछ करेगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे जहान की जिंदगी बचा ले। कैसे हो बारान बेटे? आप कैसी हैं दादी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम खैरियत से हो तो समझो दादी भी खैरियत से हैं। जिहान का फोन बंद जा रहा है, क्या वो घर पर है? नहीं, वो तो चला गया। कहाँ चला गया? मुझे नहीं मालूम बेटा। कोई बात है क्या? नहीं कोई जरूरी बात नहीं। आपने बुलाया था मुझे? जिहान घर आए तो बताइएगा। ठीक है बता दूंगी, लेकिन तुम कहाँ हो? हॉस्पिटल में हूँ, फिर बात करते हैं। फोन बंद कर दिया, खैर होगी इंशाल्लाह, मगर ये हॉस्पिटल में क्यों है? अपने आदमियों से कहो जहां जैबदत को गोली मारी गई वहां की फुटेज चाहिए, खास तौर पर गैस स्टेशन के अतराफ की और हॉस्पिटल की हुदूद की भी फुटेज चाहिए मुझे। जो आपका हुक्म। आदमी को क्यों बुलवाया? और ये इतनी जल्दी में कहां गया है? ये तुम्हारा मसला नहीं है। Thank you.
कोई ना कोई तो मसला है। जी फरमाइए। और हां, तुम किसी की भी नजर में आए बगैर हॉस्पिटल में जाके अच्छी तरह चेक करोगे और देखोगे कि क्या चल रहा है वहां। मुझे अपने बारान को उस नागिन से बचाना है। मैं समझ गया मोहतरमा। चलो जाओ। वाह मेरे दोस्त, वो लोग कौन थे तुम्हें कुछ पता है? नहीं, मैं भी नहीं जानता। उनके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं थे। शुक्र है सईद अंकल यहां नहीं थे, उन्हें तो हार्ट अटैक आ जाता। सईद अंकल यानी जुमरुद के बाबा? हाँ, अच्छा समझ गया, याद आ गया मुझे। तुमने बताया नहीं कि कैसे जानते हो जुमरुद को? मैं दरअसल उसका दोस्त हूं। कैसे दोस्त हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां उसके आने का इंतजार कर रहा था। करीब ही चाय का होटल है, वहां चलते हैं, बाकी बात वहां होगी। देखो मुझे नहीं जाना है। अच्छा ठीक है, देखो जुमरुद का दोस्त मेरा भी दोस्त ही हुआ ना, तो चले हम, मेरा भरोसा करो यार। चलो ठीक है। वो दोनों कहाँ रह गए सईद? कहीं मेरे जेवदेत के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? अपने मुंह से अच्छी बात निकाला करो, वो लोग आने वाले होंगे। गला बहुत खुश्क हो रहा है, मुझे पानी देना जरा। तुम्हारे दोस्त अली से मुलाकात हुई, हम दोनों अभी एक साथ चाय पी रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। जीवतित का मैसेज है, क्या लिखा है उन्होंने? हाँ? नहीं भाभी, अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो बताओ मुझे। क्या बताया तुम्हारे भाई ने? अरे नहीं अम्मी, मेरी दोस्त का मैसेज था, भाभी को गलतफहमी हुई है। अच्छा, पता नहीं तुम्हारा भाई कहाँ रह गया, कहीं हम गलत जगह पर तो इंतजार नहीं कर रहे सईद? ये वही जगह है जो उसने मुझे बताई थी, इंतजार कर तो रहे हैं, वो जल्द ही यहाँ आने वाला होगा। दुआ तो यही है बाबा। हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, इसके बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई कुछ हुआ क्या? मेरे बेटे जिहान की जान खतरे में है, मैं जल्द कर्ज वापस कर दूंगा। ठीक है भाई, शुक्रिया। फेवसे, क्यों उन्होंने मना कर दिया? फैजी साहब, सरपल साहिबा, सर्जरी के लिए तैयार है सब। आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने तो फीस जमा नहीं करवाई। फीस जमा हो गई है, आपके बेटे की सर्जरी के लिए एक मौजिज शख्स ने रकम दे दी है। नर्स, ये आप क्या कह रही हैं? क्या ये सच है? अल्लाह उनसे राजी हो। कौन है ये साहब, हमें उनका शुक्रिया अदा करना है। उन साहब ने अपना नाम बताने से मना किया है। वो जो भी है उन्होंने हमारे चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेर दी है। मेरा बेटा जिहान, मेरा प्यारा बेटा। उस आदमी की बदौलत मेरा बेटा जिहान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस आदमी से अल्लाह राजी हो, उसे खूब तरक्की दे अल्लाह। अल्लाह उसकी हर मुश्किल को आसान कर दे। कहां हो तुम मेरे शेर, ये क्या किया तुमने?
मुझे माफ कर दें भाई, ऐसा करने की वजह आप ही हैं। मुझे मेरे भाई का दुख मत दिखाना। उनकी हिफाजत फरमा और जिंदगी अता फरमा। भाई कैसे हैं मेरे भाई? अभी कुछ नहीं बता सकती, उनकी सर्जरी चल रही है, मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ। मेरा भाई जिंदगी की जंग लड़ रहा है और तुम यहाँ पर घूम रहे हो। तुम्हें मेरा चेहरा देखकर भी शर्म नहीं आती? एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मेरे भाई को हाथ तक नहीं लगाओगे। क्या ये वादा हुआ था हमारा? जवाब दो मुझे। ये शादी खत्म हो गई। ये फैसला तुम नहीं कर सकती। फैसला तुमने किया है। जब तुमने भाई को गोली मारी उसी वक्त ये रिश्ता तुमने तोड़ दिया था। रिंग उठाओ। हरगिज़ नहीं, ये शादी और सब कुछ खत्म हो गया है। अब ये शादी खत्म हो गई है, समझ गए हो तुम? हर चीज खत्म हो गई है।
देखो बाबा का फोन है। अब क्या बताऊं अपने बाबा को मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरा भाई मौत का सामना कर रहा है। क्या अब भी जेवदत्त फोन नहीं उठा रहे? उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना? अल्लाह खैर करेगा भाभी। ठीक तो हो सही? हाँ ठीक हो, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं खुद उसे कॉल करती हूँ। अच्छा तो ये बताओ, मुलाकात कैसे हुई जुमरुद से? कुछ हुआ था बस। मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे और जुमरुद के दरमियान कोई और सूरत हाल तो नहीं? जैसे कि प्यार मोहब्बत? किसी को नहीं बताऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। वो बस मेरी मदद कर रही है। कैसी मदद? समझा नहीं मैं। याददाश्त का मसला है, एक हादसे में मेरी याददाश्त चली गई है। क्या मतलब? सब कुछ भूल गया हूं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कुछ भी याद नहीं मुझे। जेवदत्त कहाँ हो तुम? अम्मी मैं दिलान। अच्छा तुम हो, जेवदत्त कहाँ है? अम्मी भाई को गोली लगी है। क्या मतलब गोली लगी है? लड़की तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, किसने गोली मारी उसे? वो ठीक तो है ना? मेरा बेटा। बताओ ठीक तो है वो? रोए नहीं अम्मी, मेरा भाई जिंदा है, अभी उनकी सर्जरी हो रही है, मगर हालत तश्वीशनाक है। अम्मी आवाज आ रही है आपको? अम्मी प्लीज कुछ बोले। खुश हो जाओ, एक माँ को झंझोड़ दिया तुमने, खुश हो जाओ। क्या हुआ हनीफे? क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? जेवदत्त ने क्या कहा, वो आ रहा है ना? अच्छा ही हुआ कि दिलान ने हार मान ली और अपने शौहर के साथ चली गई। तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे दोबारा बताएं। जो उसने कहा वो बता दिया। चलो सब गाड़ी में बैठो, हम घर जा रहे हैं। चलो
हाँ और हाँ, मैं सुन रही हूँ। दिलान के भाई को गोली लगी है। कैसे, किसने मारी गोली? बारान ने? इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता मैं। और हाँ, उस लड़की ने बारान साहब से कहा कि शादी खत्म हो गई है। ठीक है, तुम वहीं रहो और वहां नजर रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है मोहतरमा। आओ मेरे पास बैठो। लगता है आपके पास कोई अच्छी खबर है। हम जो चाहते थे वही हुआ। मतलब ये कि बारान और दिलान अलग हो गए हैं। उस लड़की ने खुद ही इस रिश्ते को खत्म कर दिया है। ये सब आप ही की वजह से हुआ है मेरी प्यारी दादी जान। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। जिस तरह आई थी उसी तरह हो जाएगी। सब्र करो जरा, इस दरवाजे पे कदम रखने का सोचेगी भी नहीं। तो इस बात पर मैं आपके लिए मजेदार कहवा बनाकर लाती हूँ, साथ पियेंगे। ये हुई ना बात। अब तो मेरे लिए सारे काम आसान हो जाएंगे, कारोबारी मसला भी हल हो जाएगा, यानी बारान और मेरे दरमियान की दूरी खत्म हो जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटी। कर लेने दे मुझे बाबा। हाँ अब ठीक है, मुट्ठी को बंद कर लें आप। मैं ठीक हूँ बेटा। कितना आया? थोड़ा बड़ा हुआ आया है। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। वैसे हनीफे, जेवदेत ने क्या कहा, वो कब आ रहा है? और हमें सब बताओ तो सही कि दिलान वापस हवेली क्यों चली गई? जेवदेत, उसने कहा वो दुकान पर जाएगा, देर हो जाएगी। जवेरिया, हम दोनों जेवदेत की मदद के लिए चलते हैं। जुमरुद शायद जल्दी जल्दी में बाजार चली गई है। ठीक है ठीक है, तुम लोग जाओ, थोड़ी देर बाद आता हूँ, बल्कि जुमरुद के साथ आ जाऊंगा। सईद, खुदा के वास्ते बिस्तर पर चले जाएं और थोड़ा आराम कर लें, जाएं भी थक गए होंगे आप। देखो हनीफे, इतना थका हुआ नहीं कि दुकान ना जा सकूं। हर बात में इतनी जिद क्यों करते हो सईद? कहा ना आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। चलो जवेरिया। अल्लाह, अम्मी अम्मी क्या हुआ है, कुछ बताए तो सही। आप आइए यहाँ रुककर बताइए। अम्मी क्या हुआ है, आप तो मुझे खौफजदा कर रही हैं। मुझे बताएं अम्मी, कुछ बुरा हुआ है या जेवदेत के साथ कुछ बुरा हुआ है? वो खा गई मेरे बेटे को, खा गई मेरे बेटे को। अम्मी अब क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेवरिया, हाँ बेटी, जेवदेत को किसी ने गोली मार दी, और ये बात मैं तुम्हारे बाबा के सामने नहीं बताना चाह रही थी। जेवदेत, मैंने कैसे तुमसे वादा किया था जेवदेत, लेकिन अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है। जेवदेत, जेवदेत, मेरे भाई, भाई।
भाई हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। आ गए आ गए आ गए, आ जाओ और यहां से बस एक दो कदम आगे और ये देखो कैसा लगा तुम्हें? खूबसूरत है। हम यहाँ क्यों आए हैं? अब तुम्हारा स्कूल खत्म हो रहा है और इंशाल्लाह बैरूने मुल्क भी एडमिशन मिल जाएगा। आते हुए ये दुकान दिखाई थी तो सोचा किराए पे दिलवा दूं तुम्हें, एक फार्मेसी खोलते हैं। आप भी ना भाई। ये गोदाम है मालिक का, 6 महीने के लिए किराए पर देना चाहता था तो मैंने उसे कहा कि 6 महीने के लिए मुझे दे दो। आप संजीदा हैं भाई। 100% मेरी बहन, फालतू बात करता हूँ क्या मैं? एक बात कहूँ भाई, ये जगह बहुत महंगी है। इसकी ज्यादा फिक्र मत करो तुम, ये बताओ अच्छी लगी या नहीं? बहुत अच्छी लगी, मगर अम्मी वो क्या कहेंगी? अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम राज रखेंगे। भाई आपका ये कर्ज किस तरह अदा करूंगी मैं? बस इसी तरह हमेशा खुश रहना। अरे एक मिनट रुको जरा। आइए फार्मासिस्ट खातून, आपकी नई दुकान के सामने एक तस्वीर लेते हैं, आ जाओ। क्लिक, एक और। हमने बहुत से ख्वाब देखे थे। उठ जाइए भाई, अपनी आंखें खोलिए। मैं आपके बगैर क्या करूंगी मेरे भाई? क्या हो रहा है अंदर? आप सब्र से काम लें। भाई तो ठीक है ना, प्लीज बताइए मुझे। उम्मीद रखें। कुछ तो बताइए मुझे, क्या हो रहा है? इस दरवाजे को खोलें प्लीज, मेरे भाई को कुछ हो रहा है। भाई मैं दिलान, भाई जाना नहीं, हिम्मत रखना, मैं खड़ी हूँ यहाँ, क्या कोई है मेरी मदद के लिए? कोई तो हमारा साथ दे प्लीज। पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, डिफिब्रिलेटर तैयार करें। ये लीजिए डॉक्टर। 200 जूल्स। कह दिया डॉक्टर। 300 जूल्स। रेडी है। आंखें खोलिए भाई, रास्ता दीजिए। मैडम आप यही रखिए, मुझे ले चलिए अंदर प्लीज। मुझे नहीं जा सकती, ले चलिए मुझे अंदर। हौसला रखिए, मेरी मदद करें प्लीज भाई। ठीक हो जाएंगे आप भाई, कोई मदद करे मेरी। रुक जाए भाई, रुक जाए, छोड़ के नहीं जाए भाई, हमें छोड़ के मत जाए भाई। करीम कुछ ठीक नहीं है, जान भी नहीं मिल रहा, उसी ने यह काम किया होगा। सारे काम छोड़ दो, जान को तलाश करो, लेकर आओ उसे। अगर जेवदत्त को कुछ हो गया तो जान को खो दूंगा। जेवदत्त
जबरदस्त, यानी याददाश्त वाला सीन सिर्फ फिल्मों में नहीं होता। बिल्कुल, तुम ही बताओ कि अगर जुमरत नहीं होती तो मैं तो अकेला हो जाता। बिल्कुल, पहले दिन से ही मेरी मदद कर रही है वो। हाँ, जुमरुद ऐसी ही है, सबकी मदद करती है वो, फिर चाहे अनजान ही क्यों ना हो। बहुत अच्छी लड़की है। मैं चलता हूं। अली, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, फिक्र मत करो। मत पूछो हमारे साथ आज क्या क्या हुआ है। क्या हुआ? दुकान पर छापा पड़ा था। क्या अली? डरने की कोई बात नहीं, पुरसुकून रहो। पुरसुकून क्यों? मैंने ही तो आकर इसे उन लोगों से बचाया था। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, मुझे अर्जेंट जाना पड़ा। जुमरुद, वो लोग कौन थे? जुमरुद सुनो, कहाँ हो, दुकान पर नहीं गई तुम? मैं भी रास्ते में हूँ अम्मी, आप घबराई हुई लग रही हैं, क्या हुआ है? हाँ सुनो बेटी, वो दिलान ने बताया था कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है, तो हम वहीं जा रहे हैं। क्या हुआ उन्हें? आप कहाँ हैं? मैं बस आ रही हूँ। नहीं बेटी, तुम दुकान पर ही रहो, तुम्हारे बाबा भी बीमार हैं, उनका ख्याल रखना है। अरे अम्मी, मगर भाई को हुआ क्या है? खराबी फैमिली ने तो कुछ नहीं किया? नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक हादसे में उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। परेशान मत हो तुम। अम्मी देखें, आप सच कह रही हैं ना मुझसे, भाई ठीक तो है ना? हाँ सच कह रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। हाँ एक और बात बेटी, अपने बाबा को ये बात मत बताना, दिल के मरीज हैं तुम्हारे बाबा। ठीक है अम्मी, आप फिक्र मत करें। ठीक है बेटी, रखती हूँ फोन। अम्मी आप ठीक है ना? हाँ। रुको रुको, आइए चलते हैं। मैं पागल हो जाऊंगा बाबा, वो जेवदत अभी तक नहीं मरा, बरान ने आकर उसे फिर बचा लिया। बेटा, मौत का फरिश्ता अब भी उसके सर पर है, अभी कुछ बर्बाद नहीं हुआ। उस बरान ने हॉस्पिटल में हलचल मचा रखी है बाबा। अपनी फजूल बातें बंद करो और हॉस्पिटल जाओ और देखो वहां क्या चल रहा है। परेशान मत हो, कुछ सोचता हूं मैं। ठीक है बाबा। हाँ बात सुनो, हॉस्पिटल में कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, ठीक है? मोहतात रहना, किसी को भी शक ना होने पाए, ना ही तुम पर और ना ही मुझ पर। अब तुम जाओ, चलो। ठीक हो गया ये? ठीक है, अहमद भाई को सलाम कहना, खुदा हाफिज। शुक्र है ये मसला तो हल हुआ, काफी कुछ ठीक हो गया है। इस परेशानी में तुमने मदद की, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, जब भी जरूरत हो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। तुम्हें अगर जेवदेत भाई से मिलना है तो चलो मेरे साथ। नहीं अम्मी ने मना किया है, अगर मैं गई तो वो गुस्सा करेंगी। ठीक है फिर। ऊपर भी सब कुछ ठीक कर दिया है मैंने, और अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास अपने याददाश्त वाले मामले का कोई हल है क्या, कोई सुराग या कुछ और? ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, सिवाय इन चाबियों के। कहां की है पता नहीं। वैसे तो ये एक मुश्किल काम है जुमरुद, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें सही जगह भेज दिया है। मैं एक ताला सास को जानता हूँ। फिर तो मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल होगी तो संभाल लेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, और जरूरी हुआ तो शहर के तमाम दरवाजों पे लगा के देख लेंगे। उम्मीद है कि आसानी होगी। आसानी तो होगी, लेकिन मैंने कहा ना थोड़ा वक्त लगेगा बस। जी अम्मी जान, क्या आप आ गई? आप तो कल आ रही थी।
अभी थोड़ा काम है, आने में वक्त लगेगा, मुझे निपटा के आता हूं। ठीक है, आता हूं। अम्मी जान आ गई है, माफ करना, मुझे अभी जाना होगा। अच्छा, तालासाज यहां से कुछ ही दूर है, मैं जब मैसेज करूं तुम लोग चले जाना, उसके पास जाके मेरा नाम लेना, वो तुम्हारी मदद कर देगा। इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं दोस्त। दोस्त सुन के अच्छा लगा, चलो चलता हूं। अम्मी जान का फोन भी अभी आना था। अब कुछ नहीं बचा है। बारान ही तो इसकी वजह है, पहले वो खुद ही इनकार कर रहा था और अब खून बहाने का फैसला कर लिया उसने, हालांकि यह कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। तुम्हें कैसे पता? तुम कैसे कह सकते हो कि यह बारान ने किया है? इसलिए कि इंतकाम लेना तो बारान ही का फर्ज था। कह तो सही रहे हो। यही तो कह रहा हूं अम्मी, काश बारान ने इंतजार ना किया होता। बारान ने जो भी किया, जब भी किया है, हम सबसे बेहतर किया है। देर से ही सही, लेकिन उसने कर दिखाया, और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेटा कहाँ है तुम्हारा? फिराद, वो भी यहीं था, हवाखोरी के लिए गया होगा। बात सुनो हसन, अपने बेटे से कहो कि बारान से बैत कर ले, अगर वो कसूरवार निकला तो इस बार मैं भी नहीं बचा पाऊंगी उसे, खबरदार कर दो तुम। जूल्स तैयार है। गोली निकालनी होगी जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। मैडम प्लीज बताएं मुझे। इंतजार कीजिए, डॉक्टर आपको सब कुछ बता देंगी। मैं परेशान हो रही हूँ, कुछ तो बताएं मुझे। इन्हें अपना काम करने दो। मैं कसूरवार हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। अब अम्मी को क्या कहूंगी? अपने बाबा का चेहरा कैसे देखूंगी? कोई कुछ क्यों नहीं बताता? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज कोई कुछ तो बताए। डॉक्टर को बुलाओ। हटिए, मुझे देखने दीजिए। फौरन आईवी लगाओ स्लीपिंग डोज के साथ। सब कुछ ठीक तो है ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बताओ मुझे, मैं भी फैमिली कैसा हूं। चलो साथ खाना खाते हैं। नहीं जनाब, अभी मुनासिब नहीं। तकल्लुफ की क्या बात है? तुम सुबह से इधर उधर भाग रहे हो, तुम्हें भूख लग रही होगी। यहां बारान तो है, वो सब देख लेगा। चलो मेरे साथ।
थोड़ी सी बातें भी हो जाएंगी। ये किसी दरवाजे की चाबी नहीं लगती मुझे। फिर किस चीज की चाबी है ये? ये लॉकर की चाबी है। लॉकर से आपकी क्या मुराद है? ये वो लोग रखते हैं जो लॉकर इस्तेमाल करते हैं। तो हम उन ट्रस्टीज को कहाँ तलाश करें? मेरे ख्याल से इस शहर में 3 या 5 ट्रस्टीज रह गए हैं। मैं उनका एड्रेस आपको दे देता हूँ, आप जाकर पता कर लें। ठीक है, आप एड्रेस बता दें। सुकून रहो। छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे। मेरा भाई कैसा है? फिक्र मत करो तुम, अभी ऑपरेशन जारी है। जहान कहीं नहीं मिला, मैं कॉल करता हूं, फिक्र मत करो। कहाँ हो तुम जियान? क्या हुआ? क्या तुम अब अपने लोगों को बता रहे हो कि तुमसे क्या हो गया है? तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकता हूं, लेकिन होश में आओ तुम और ठीक तरह बात करो मुझसे। जगह बाकी है, बस वहाँ काम हो जाए। तुम्हें पता है जुमरुद हम कुएं में से सुई ढूंढने जा रहे हैं। तुम बहुत थक गई हो, कल फिर आ जाएंगे। नहीं, चलो पहले इधर भी मालूम कर लेते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ फिराद बेटा, बताओ क्या सूरत हाल है वहाँ? पूरा हॉस्पिटल जेवदत को बचाने में लगा हुआ है बाबा, और वो बारान भी। बारान चाहे कुछ भी कर ले, उसे बचा नहीं पाएगा। अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और हाँ, उसके मरने के बाद बारान की बारी है, भूल मत जाना तुम। बाबा, अगर जेवदत नहीं मरा तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? ये अगर कहां से आ गया बेटा? बारान के आदमी से बात हुई थी मेरी, वो सीसीटीवी फुटेजेस की तलाश में निकला हुआ है। अगर वो उसे मिल गई तो वो समझ जाएगा कि इन सब के पीछे हमारा हाथ है। तो डिलीट करवा दो उन्हें। काश के मैं कुछ कर सकता, लेकिन अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं।
बाबा बताएं अब क्या करें? अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इंतजार करेंगे। तुम भी पुरसुकून रहो, कुछ मत करना, अपने आप पर काबू रखना होगा तुम्हें। ठीक है, जैसा आप कहें। बरसों पहले जो काम अधूरा रह गया था, अब वो तुम्हारे बेटों के साथ मुकम्मल होगा। बस देखते जाओ। सुना तुमने? बस देखते जाओ। पानी डालो इसमें। गुल, मक्खन गरम हो गया होगा, देखो लाकर थोड़ा सा डाल दो इसमें। बारान साहब बहुत शौक से खाते हैं, ये उनका पसंदीदा मीठा है। अम्मी, क्या वाकई में उसके भाई को बारान साहब ने गोली मारी है? मुझे तो इन तमाम बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। बारान साहब क्यों मारेंगे उसे? और अगर बारान साहब को उसे मारना होता तो पहले ही दिन नहीं मार देते? इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है। मेरे लिए पानी लाओ। हवेली के मुलाजमीन ने कब से इन मसाइल पर बात करनी शुरू कर दी? हाँ, अपने काम पर तवज्जो दो और इन सब बातों से दूर रहो, वरना मुझे नहीं अम्मी को जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा भी क्या कह दिया हमने? किसी और का गुस्सा वो यहाँ आके उतार रहे हैं। छोड़ो ये बात, खमीर उठाओ और थोड़ा थोड़ा करके डालो इसमें। राइट पर दूसरा कमरा। अम्मी। हाँ कहो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काश कि तुम्हें गोली लग जाती तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती जितनी अब हो रही है। कोई अच्छी खबर लेकर आए हो या नहीं? अली मिल गया है हमें। क्या ये वही लड़की है? जी बिल्कुल, ये लड़की नर्सिंग की सीनियर स्टूडेंट है, अली की मदद कर रही है। उसका क्या ताल्लुक? कहीं अली का उसके साथ कोई रिश्ता तो नहीं है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे नहीं लगता। रकम और चोरी के जेवरात उसने कहाँ छुपाए थे, कुछ पता चला क्या? अभी तक तो नहीं। अली शातिर लड़का है, शायद वो चीज़ हमें नहीं मिल सके। दोबारा कभी ऐसा कुछ मत कहना। मुझे ये खेल जल्द से जल्द खत्म करना है, समझे तुम? मेरे आदमी उसके पीछे हैं, जैसे ही वो पैसे निकालेगा हम उसे पकड़ लेंगे। हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं,
हम जिसके पास भी गए सबने एक ही बात की है जुमरुद, कि कुछ नहीं हो सकता। मुंह बंद रखो अपना, जब यहाँ तक आए हैं तो पूछ ही लेते हैं। ये लॉकर नंबर 60 काफी अरसे से खोला नहीं गया। क्या वाकई? तो क्या ये चाबी इसकी हो सकती है? ये तो मैं नहीं बता सकता, आप ट्राई कर लें, मैं बाहर जाता हूँ। कुछ नहीं निकलेगा इसमें से। शायद तुम्हारे बारे में कुछ पता चल जाए इससे। आपके पेशेंट को फौरी तौर पर ब्लड की जरूरत है, क्या आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है? बारान साहब, ये तो आपका ब्लड ग्रुप है। अगर पेशेंट को जल्दी ब्लड नहीं दिया गया तो वो मर भी सकता है, जल्दी बताइए। क्या करूंगी भाई? आपके पेशेंट को फौरी तौर पर ब्लड की जरूरत है, क्या आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है? ये तो आपका ब्लड ग्रुप है। अगर पेशेंट को जल्दी ब्लड नहीं दिया गया तो वो मर भी सकता है। नहीं कर सकता मैं।